धनबाद अंचल के आमाघाटा में सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमण मामले में धनबाद जिला प्रशासन ने सख्त रूप अख्तियार कर लिया है। आपको बता दें, भारी विरोध के बीच आज से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया। इसी बीच पत्थरबाजी को देखते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। कुल 74 में से 30 लोगों ने कागजात जमा करवाए, जिसकी जाँच चल रही है। बचे 44 अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई आज से शुरू की गई है। इन लोगों पर FIR दर्ज करने का धनबाद उपायुक्त ने आदेश दिया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त ने सख्त लहजे में कहा कि इतने बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों की हेराफेरी बगैर सरकारी पदाधिकारियों के मिलीभगत नहीं हो सकती। ऐसे में तत्कालीन CO एवं राजस्व कर्मी पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आमाघाटा मौजा में काफी कीमती सरकारी जमीन थी और उसका अतिक्रमण कर लिया गया, और इस अतिक्रमण के पीछे एक बहुत बड़ा यहाँ पे माफियाओं का एक्सेस काम कर रहा है, और वो राजस्व कर्मचारी अंचल अधिकारी और अंचल कार्यालय के साथ मिलीभगत करके काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। अगर एक रफ कैलकुलेशन करें तो आई थिंक 400-500 करोड़ के राजस्व की क्षति पहुँचाई है। कार्रवाई शुरू किया है, बाकी जो रिमेनिंग क्रीज हैं उनको उनके द्वारा कुछ कागज प्रस्तुत किए गए हैं, उसके ऊपर भी JPLE बात हम लोग शुरू करेंगे। और उसमें CEO को आदेश है कि JPLE बात को टॉप प्रायोरिटी में मिशन मोड में 1-1.5 महीने के अंदर निष्पादित करें। दूसरा ये है कि जो हमारे अंचल अधिकारी और अंचल कर्मचारी या अंचल के पदाधिकारी इस पूरे नेक्सस में मिलीभगत थी, उनके विरुद्ध भी ADM साहब को मैंने बोला है कि स्पष्ट मंतव्य आना चाहिए, ताकि न सिर्फ उनके विरुद्ध हम पत्र कौती कार्रवाई करें बल्कि उनके विरुद्ध भी FIR दर्ज होना चाहिए।